श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी के छेवें मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। सतगुरु जी अपने सिखां दे नाल तुरे जा रहे ने, घोड़े दे सवार ने। रस्ते विच एक सप मरिया पिया सी। सतगुरां ने वेख्या, सिखां ने वेख्या कि उस मरे सप नूं कुछ कीड़ियां जिहड़ियां खा रही ने। सिखां ने पुछया, सतगुरु ये की कौतक है? महाराज ने आख्या, सिखो तुहानू ये दसना चाहते हाँ कि कदे भी पखंड के चक्कर च नहीं पैना, परपंच धर्म के हेठ कदे भी परपंच नहीं करना, नहीं तो अजे ही हालत होगी। सतगुरु ने आख्या, ये जड़ा सप सी ये पिछले जन्म के एक पखंडी सी जड़ा धर्म के नाँ के हेठ आ जड़ियाँ कीड़ियाँ तुरियां फिरदियां ने इन्हों चेले बनाया सी, इस दे मगर लगे सन। ये इन्हों ठगदा सी अते अपनियां जेबां भरदा सी। ते जदों इस दे कर्मां दा लिखा होया तां इसनू कर्मां दे करके सप दी जून मिल गई। जिस तरह इसने अपने चेलियां नू खादा सी, लुट खादा सी, अपने मगर लगे लोकां नू लुट लिया सी, उसे तरीके दे नाल हुण इह सप मरिया पिया है। अते जिहड़ियां कीड़ियां ने इस दे चेले सन ये हुण इसनू खा रहे ने, कर्मां दा हिसाब किताब कर रहे ने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आख्या, गुरसिखो अजिहा कदे भी नहीं करना, किसी का हक कदे भी नहीं खाना, तो धर्म के हेठ परपंच बिल्कुल नहीं करना। जिहड़ा धर्म के हेठ परपंच करता है उसके कर्मों का लेखा बहुत बुरा होता है, उसनू अजे ही सज़ा मिलती है कि जिहड़ी उसकी सोच समझ तो ही परे है। मनुख जदों माड़े कर्म करता है तो उसनू बहुत चंगा लगता है, तो मैनू कोई सज़ा नहीं मिली, कुछ नहीं होया, पर उसकी दरगाह दे विच लेखे तो कदे भी छुट्टिया नहीं जा सकता। सिखां ने आख्या, सतगुरु आप दी महिमा कथी नहीं जा सकती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।